जिनकी हार सुनिश्चित है उनके कार्यकर्ताओं को भी मैं हौसला बुलंद करते हुए कहना चाहता हूं कि आप मतदाताओं को जरूर मतदान करने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि दुनिया के लोगों को, दुनिया में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, भारत में जब इतना सारा वोटिंग परसेंटेज होता है उसका विश्व पे प्रभाव होता है, भारत की लोकतंत्र की ताकत का एक मजबूत उदाहरण बनता है। दुनिया को भी भारत को समझने के लिए अधिकतम वोटिंग बहुत जरूरी होता है, और आने वाले 25 साल तो विश्व में भारत के महात्मय के वर्ष है, और इसलिए अधिक मतदान हमारी लोकतांत्रिक ताकत का परिचय देता है। साथियों, वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी एलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, और इसलिए खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी एलायंस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये इंडी एलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ, इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ, वो बता ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं, और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडी एलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं, ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं, और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे इस देश की करीब करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25% जहां ये इंडी एलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी, कोई कल्पना कर सकता है? चलो भाई एक आध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं, 25% सीटें ऐसी है इस देश के लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं।